भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एप्रेट प्लीज प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हथियारे हो। प्लीज मानी सुनिए, प्लीज। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की, और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैंने 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 मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है।